आपने लास्ट क्लासेस में इक्वेशन को बनाना सीखा और उनकी हेल्प से ग्राफ को बनाना देखा। एक्सरसाइज 4.4 में भी हमें एक इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाने हैं, बट उस इक्वेशन को हमें दो फॉर्म में ग्राफ बनाने हैं। उस इक्वेशन से पहला वन वेरिएबल की फॉर्म में और दूसरा है हमारे पास टू वेरिएबल की फॉर्म में। तो देखेंगे कैसे करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन है y इक्वल्स टू थ्री, दिस y इक्वल्स टू थ्री। y इक्वल्स टू थ्री इक्वेशन जब आप देखते हैं तो इस इक्वेशन में आपको कितने वेरिएबल दिखाई देते हैं? तो आंसर है इस इक्वेशन में वन वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, ये बात समझ में आती है आपको? अच्छा, इसी तरह से मैंने यहाँ लिखा y इक्वल्स टू थ्री। ठीक, ये भी इक्वेशन अभी कैसी है? क्योंकि यहाँ वन वेरिएबल है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। लेकिन मुझे इसको किस फॉर्म में ग्राफ बनाना है जब ये कैसे हो? टू वेरिएबल। ठीक, तो मैं इसको टू वेरिएबल कैसे बना सकता हूँ? मैंने अपनी तरफ से इसमें लिखा जीरो। अगर किसी इक्वेशन में मैं जीरो ऐड कर दूँ तो उस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट आता है क्या? आंसर है नो, कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखिए, इसको और कन्वर्ट कर रहा हूँ। जीरो में मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ एक्स का, जीरो में मैं किसका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ? एक्स का। तो एक्स इंटू जीरो कराओगे अभी भी क्या है? जीरो। ठीक, तो आप ये देखिए यहां से क्या ये तीनों इक्वेशन एक ही नहीं है? ये तीनों इक्वेशन एक ही हैं। कैसे? यहां पर जीरो इंटू एक्स कराएंगे तो ये जीरो हो गया, तो क्या बचेगा? वाई इक्वल्स टू थ्री। यहां पर देखिए जीरो ऐड कराएंगे वाई में तो क्या आएगा? वाई, वाई इक्वल्स टू थ्री। सिमिलरली यहां पर क्या चल रहा है? वाई इक्वल्स टू थ्री। इस बात का मतलब ये है कि इस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को इस तरह से हम टू वेरिएबल की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर y इक्वल्स टू थ्री है तो इसको टू वेरिएबल में कैसे शो करेंगे? तो आंसर है इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस y इक्वल्स टू थ्री। ये समझ आया आपको? अच्छा, इसी तरह से सपोज दैट मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल्स टू फाइव ऐसे मान लो गिवन है। ठीक है, तो बताओ इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे बना सकते हैं इस इक्वेशन को? तो आंसर है हम इसको अपनी तरफ से इक्वेशन को तो ऐसे ही लिखेंगे, बस अपनी तरफ से 0x ऐड करेंगे। 0x ऐड करते ही क्योंकि एक वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल है तो ये लीनियर इक्वेशन किस वेरी कितने वेरिएबल में हो गई? टू वेरिएबल में बन गई। ठीक, ये बात आई आपको समझ में? अच्छा, इसी तरह से सपोज दैट मैं आपको बोलूं कि x इक्वल्स टू थ्री कहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x इक्वल्स टू थ्री। और मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल, तो आपका आंसर होगा ये वन वेरिएबल में है। फिर मैंने आपसे कहा कि इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए, तो x तो है, इसके साथ क्या और ऐड कर दें? y ऐड करना है, लेकिन साथ में क्या लिखना होगा? जीरो। ठीक है, तो अगर y की इक्वेशन होती है तो 0x ऐड करते हैं। ठीक है, और x की अगर इक्वेशन है तो 0y ऐड कर देते हैं। इससे यहाँ दो वेरिएबल आ जाते हैं और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाती है। ठीक है, ये करना बिल्कुल आसान है। अब हमें इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। y इक्वल्स टू थ्री कहाँ होगा? तो y इक्वल्स टू थ्री के लिए मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, क्योंकि मुझे y एक्सिस पर ही इसको शो करना है, तो मैंने एक वर्टिकल नंबर लाइन ले ली है। ये यहाँ से जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये लाइन चल रही है, लाइक दिस। सिमिलरली इधर भी -1, -2, -3 इस तरह से चल रहे होंगे। यहाँ पर y, ये हमारे पास सपोज दैट क्या है? y एक्सिस। तो यहाँ पर y क्या होगा? आपको x एक्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नंबर लाइन पर। तो ये आपका क्या शो करेगा? y इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये पॉइंट क्या शो करेगा? y इक्वल्स टू थ्री। बिल्कुल आसान है इसको करना। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करना भी बिल्कुल आसान है। देखो, दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करिए आप, या x की वैल्यू 1 पुट करिए। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 इंटू 1 प्लस y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ठीक, अब x की वैल्यू 2 पुट करिए यहाँ पर, x इंटू 2, 2 इंटू 0 कराएंगे 0, तो फिर से y की वैल्यू क्या आएगी? 3।
अच्छा फिर x की वैल्यू 3 पुट कराइए, 0 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो यहाँ फिर से y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ठीक है, यहाँ तक बात आ रही है समझ में? अच्छा, x की वैल्यू 1 2 3 पुट करने पर हर बार मैंने देखा कि y की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है। ठीक है, तो मैंने एक टेबल प्रिपेयर कर ली, ये देखिए। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू मैंने क्या क्या रखी, 1 2 3, 1 रखने पर वाई की वैल्यू कितनी आई, 3, 2 रखने पर कितनी आई, 3, 3 रखने पर कितनी आई, 3, ऐसे ही मैं 4 5 कुछ भी रखूँगा, वाई की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 3 आएगी। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए कैसे करना है ग्राफ ड्रॉ, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ठीक, ये यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे चलता है और ये 1 2 3 4, सिमिलरली इधर -1 -2 -3, हेयर -1 -2 -3, इस तरह से आप जानते हैं ये कार्टेशियन प्लेन है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट को प्लॉट करना है। तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी आती है, 3। x की वैल्यू 1 कहाँ है, ये है x की वैल्यू 1, इस पर y की वैल्यू 3, ये पॉइंट मिला। ठीक, फिर से x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कितनी है, 3, तो पहले x पर चले 2 और फिर y पर 3, ये पॉइंट आया। ऐसे ही नेक्स्ट x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3, ये ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू -1 पुट करता तब भी y की वैल्यू 3 आ रही होती, तो x की वैल्यू -1 पर भी y की वैल्यू 3, 2 -2 रखता तब भी आंसर 3 आता, -3 रखता तब भी आंसर 3 आता, है ना? तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन आ रही है, कैसी लाइन बन रही है, एक पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बन रही है, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई इक्वल्स टू 3 को, या आप कह सकते हैं 0x + y = 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये टू वेरिएबल के लिए हो गया और ये 1 वेरिएबल के लिए हो गया। कैसे बनाया, फिर से देखिए, y इक्वल्स टू 3 है, सिंपल एक नंबर लाइन बनाइए, उस नंबर लाइन पर y पर 3 कहाँ है, ये है, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स टू 3 को, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, वो इन टू वेरिएबल में करना है, तो y इक्वल्स टू 3 को पहले टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ x की वैल्यू 1 2 3 पुट किया, और यहाँ पर हमने देखा y की वैल्यू तो हर बार क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, मैंने कुछ पेयर बना लिए, उन पेयर को जब मैंने प्लॉट किया और उन डॉट को मैंने आपस में ज्वाइन किया, तो मुझे क्या मिला, एक पैरेलल लाइन मिली, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आप एक बात याद कर लीजिए कि अगर वाई की इक्वेशन है ना, तो क्या होगा, जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन है तो वो किसके पैरेलल बनती है, वाई एक्सिस के पैरेलल बनती है। तो ये कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक और क्वेश्चन लेकर। ओके, ध्यान से सुनिए आप, 2x + 9 = 0 ऐसा इक्वेशन है। ठीक है, 9 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और इधर क्या चल रहा है, 2x। नाउ x = -9/2, या मैं इसको लिख सकता हूँ -4.5। ठीक है, ये x की वैल्यू निकाली मैंने, 9 इधर आया, माइनस का हो गया, 2 से डिवाइड किया, 2 से इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, -4.5। अच्छा, अब इसको मुझे 1 वेरिएबल में शो करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। कैसे करेंगे, सिंपल एक x एक्सिस बनाइए, या इसको मैं नंबर लाइन कह सकता हूँ, 0 1 2 3 4 ऐसा चल रहा होगा, इट्स सिमिलरली इधर -1 -2 -3, और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, -4 and -5 -6, इस तरह से चल रहा होगा ये। ठीक है, मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, x = -4.5,
तो x इक्वल्स टू माइनस, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। इस ओरिजिन से हम चले x की वैल्यू देखने के लिए, क्या देखना है, -4.5। तो ये यहाँ आए, ये 4 मिला और 4.5 यहाँ बीच में कहीं रहा होगा, 5, -5 और -4 के बीच में क्या होगा, -4.5। तो ये किसको शो कर रहा है, x इक्वल्स टू -4.5। ये ग्राफ बन के तैयार हो गया, बिल्कुल आसान है इसको करना, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद इन टू वेरिएबल में करना है। टू वेरिएबल का मैंने आपको क्या मेथड बताया है, मेरे पास इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू -4.5, ये है ना, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, x इक्वल्स टू -4.5, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को टू वेरिएबल में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो x की इक्वेशन है तो किसको ऐड करना है, 0y को। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई है, तो आंसर है ये टू वेरिएबल की फॉर्म में आ गई है, ठीक। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, 1, 2, ठीक। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहले आप कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4.5, ठीक है। y की वैल्यू 2 पुट कर लेता हूँ, 0 × y की वैल्यू 2, ठीक है। तो फिर से देखें, ये तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू फिर से क्या आई, 4.5। फिर से y की एक और वैल्यू मैंने पुट करके देखी, 3, तो x प्लस 0 × 3, ये 0 हो गया, x की वैल्यू फिर से क्या आई, 4.5, ठीक है। तो मेरे पास कुछ पेयर बन गए, x की वैल्यू 4.5 आती है कब, जब y की वैल्यू 1 हो। सिमिलरली 4.5 y की वैल्यू 2 रखने पर आता है, 4.5 y की वैल्यू 3 रखने पर आता है। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट बन गए, ठीक। अब इन पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, सिंपल, आप x एक्सिस y एक्सिस बनाइए, जीरो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से बनाते जाइए। ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन बन के तैयार हो गया। अब इसमें इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है आपको, तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू 4.5, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -4.5 होना चाहिए। यहाँ लिखता हूँ मैं -4.5, माइनस माइनस माइनस, सब जगह क्या चल रहा है, माइनस, ठीक है। x की वैल्यू -4.5, x की वैल्यू -4.5 यहाँ होगी कब, जब y की वैल्यू 1 है, तो y इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू -4.5 ये, ठीक। फिर से y की वैल्यू 2 कब, जब x की वैल्यू -4.5, फिर से x की वैल्यू 4 -4.5 कब, जब y की वैल्यू 3 है। सिमिलरली अगर y की वैल्यू -1 रखूँ तब भी x की वैल्यू क्या आएगी, -4.5। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू -2 रखूं तब भी माइनस, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -4.5। तो मैं देखता हूं कि यहां पर मुझे एक लाइन मिल जाती है ऐसी, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास एक्स इक्वल्स टू -4.5 को, ठीक है। तो इस बार लाइन किसके पैरेलल आई है, ये लाइन पैरेलल आई है वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इसमें आपने देखा था ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन थी, y इक्वल्स टू 3 की इक्वेशन थी, ये y की इक्वेशन थी, तो लाइन किसके पैरेलल आई थी, x एक्सिस के पैरेलल आई थी, है ना, ये समझ आ रहा है आपको। y की इक्वेशन थी तो लाइन किसके पैरेलल आई थी, x एक्सिस के पैरेलल, ठीक। अगर इक्वेशन हमारे पास x एक्सिस की है ना, x एक्सिस की इक्वेशन है तो किसके पैरेलल आती है, y एक्सिस के पैरेलल आती है। ये बात आप याद रखिए, आपको हायर क्लासेस में बहुत काम आएगी ये बात, ठीक है। तो ये किसी भी एक इक्वेशन का वन वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये उस इक्वेशन को टू वेरिएबल में कन्वर्ट करके उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, और वो उन डॉटेड को आप ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन मिल जाती है, ठीक है। ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.4, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।